जब बारिश होता है तो पानी आता है, जब ज़्यादा बारिश आता है तो ज़्यादा पानी आता है। तो भाई वही वाला सीन हुआ, अभी बारिश हो रही है, ये आप चेक कर सकते हो। और अभी हम जाने बाहर। भाई साहब ये जो है ना दरख्त यहाँ गिरा हुआ है, तो मैं तो कुछ करना नहीं, इसको गिरा ही रहने दो, हम चलते हैं आगे। वो देखो हमारा भी भाग गिरने लगा था, गिरा तो नहीं ना अल्हम्दुलिल्लाह। बस दरख्त किसी की नजरों से ना गिरे, बाकी सब खैर है। So, hey, what's up guys? तो यार अभी हम जा रहे हैं मैकडॉनल्ड्स, जो मौसम है वो बहुत ज्यादा अच्छा हुआ है, तो हम वहाँ जा रहे हैं और मैकडॉनल्ड्स जाते हैं, कुछ कौन शोन खाते हैं, कुछ सीन भी चेक करते हैं क्या है। तो अभी चलते हैं, लग रहे में मिल जाएगा कौन, क्योंकि मैकडॉनल्ड्स में 10 में से 4 बार जाओ तो कौन मिलती, 6 बार नहीं मिलती। तो अभी चलते हैं और लग रहे हैं यहाँ से मिल जाए अभी हमें कौन। मौसम अच्छा हुआ है तो जी मैकडॉनल्ड्स पे भी काफी रश लगा हुआ है, पर हमारी बारी जो है ना वो फिर भी आने वाली, तकरीबन आधे घंटे से हम खड़े हैं। तो यार अभी ना मैकडॉनल्ड्स वालों का चेजा लेने लगा हूँ मैं, जरा सारे चुप कर जाना। ये मैं अपनी शिना शक्ल पे कपड़ा ले लेता कि मैकडॉनल्ड वाला मुझे अपने कैमरे में ना देख पाए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, ये बड़े जी बैंगन के पकौड़े होंगे? बैंगन के, सॉरी बैंगन के पकौड़े, नहीं नहीं बैंगन के पकौड़े, ब्रिंजल ब्रिंजल एग प्लांट। जी जी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, पकौड़े वगैरह होते हैं? मौसम अच्छा हुआ है, चलिए मैं फिर अपने बच्चों से पहले मशवरा कर लूँ, फिर आपको बताती हूँ। जी जी ठीक है ठीक है, ऐसा करें फिर 2 चॉकलेट कौन कर दें और 3 मदीला कौन कर दें? 2 चॉकलेट कौन होगी और 3 मदीला कौन होगी? जी और जी मैं विंडो पे ही आ रही हूँ। ओके थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। यार जो भी हो जितना मर्जी मैकडॉनल्ड का बंदा लगा ले ना, किट लगा ले इसकी, इनके जो कॉर्न का लेवल है ना वो कोई भी नहीं पकड़ा जाता। नीचे गिरने लग गई है, लेकिन इनके कॉर्न इतनी ज्यादा, मेरा ख्याल आप लोगों में से भी तकरीबन सब मैकडॉनल्ड्स तो ट्राई किया ही होगा ऑब्वियसली। अच्छा तो जितना मजे का ना, अगर इसको KFC से कंपेयर किया जाए तो ये मैकडॉनल्ड्स की ज्यादा अच्छी कौन होती है? भाई मैंने ना तकरीबन पिछले व्लॉग के अंदर बकवास की थी कि ये जो ग्लासेस है ना ये मेरे टेढ़े हो गए हुए हैं, और इसको जो है ना मैंने सही करवाना है, और अभी तक खैर से नहीं हो नहीं पाए। मैंने करवाया नहीं, एक तो मैं बिजी हूँ एग्जाम्स वगैरह की फिक्र है थोड़ी सी, तो मैंने आपको पहले भी बताया है थोड़ा व्लॉग लेट आया करेगा, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी, उसके बाद समर वेकेशन आएगी। ये मेरे भाई हालत चेक कर लो, गाड़ी कैसी हुई है, जैसे यहाँ पूरा का पूरा केक गिरा हो या पेंट गिरा हो। साथ में जो मौसम है वो जरा अच्छा हुआ है, ठंडा हुआ है, तो हमने सोचा शीशे वगैरह खोल लेते हैं, AC चलाने की जरूरत ही नहीं है अभी। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे ठीक हो? यार 5 जो है ना फ्राइज करने हैं, स्मॉल वाले जो होते हैं ना, ठीक है? तो उसके अंदर मसाला वगैरह डाल दो, अपनी मोहब्बत डाल दो, और साथ में सर्व कर दो, ठीक है? नहीं सर्व इधर। यार इनके फ्राइज जो है ना इंतहाई मजेदार होते हैं, डी प्लाजे के अंदर, बुकलैंड के अंदर जो है ना, बुकलैंड के बिल्कुल नीचे इनकी शॉप है, कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है, बट ज़्यादा बड़े मजे के फ्राइज होते हैं इनके। एक ना मेरी आधी जिंदगी मच्छर मारने में गुजर गई है, और कहाँ करने है? एक मेरे पास पीछे भी करते तो यार अभी जो है ना हमारे फ्राइज वगैरह जो है आए हुए हैं, और साथ में हमारे पास है व्हाइट सॉस, जो के है इन फ्राइज की जान, और ये अगर व्हाइट सॉस ना हो मुझे तो मजा नहीं आता, थोड़ा पता नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओए होए 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 होए, इतने कमाल के फ्राइज हैं, इतने चटपटे और क्रिस्पी, और ये मैं खा रहा हूँ ना ये पता लग रहा क्रिस्पी फ्राइज है, और एक ऊपर से क्रिस्पी लेयर अंदर से सॉफ्ट वाइट सॉस जो है, इसका मजा यहाँ से यहाँ कर रही है। और भाई कसम से बहुत ज़्यादा मजे के फ्राइज हैं, लाजमी ट्राई करना डी प्लाजे के अंदर। मैं हो 10 किलोमीटर दूर से आ जाना, लेकिन ये फ्राइज लाजमी ट्राई करना। हमने फ्राइज वगैरह यहाँ से अभी, और ये मामा भी ऐसे ही प्लेट लगे खड़ी हुई है, वो उसका वेट करें।
अभी आज ये सुनसान नहीं भी जगह, टाइम बहुत ज्यादा हो गया ना, बारह भी पकड़े, ये पीप नहीं बजाओ हैगा, वो ऑनर खुद ही आ गए हैं चल के। अच्छा भाई पांच हमारी वो थी 750 की प्राइस है, 150 की मायर, 900 रुपए की बोतल है, बस ठीक हो गई। मैं प्लेट वगैरह भी हो रहा है नहीं सारी हो गई, 607 हमें भी सुन गया था, 607 मैं कहा हमें भी सुन गया था, वो है ही तो क्या पुलाव यार था 607 वाला, 607 थे तनु भेजे नहीं हुआ क्या था फिर भी बताए, उसने 607 की डिलीवरी करने भेजा तो 707 पे पहुंचा हुआ, 607 पे डिलीवरी के लिए भेजा था, 707 पे पहुंचा हुआ, तो मामा कह रही थी अच्छा मैं भी सुन गया था 607 जी, मैं 607 वो कहता है ही खोता, ये ऑनर है इधर के जो भी खुद आए थे प्लेट लेने, लाइक बड़ी अच्छी शॉप है इनकी, आ जाना बड़ा मजे का खाता है इनका फ्राइज वगैरह। The next day. अस्सलाम वालेकुम यार, वो नान चने मिल जाएंगे अभी, हलीम मिल जाएगा, अच्छा हलीम हाफ प्लेट हलीम कर दो और दो नान, दो नान पैक कर दो, दो नान और हाफ प्लेट अभी इसी में डाल दो, क्या करना यार पैक करना है प्रोजेक्ट, अच्छा पैक कर दो हाफ हलीम और दो नान कर दो पैक, बस यही कर दो, सलाद वगैरह है, चलो ठीक है वही कर दो, घुमाई जा रहे यार, जो करना है एक बार बंदा कर लेता है, उसमें प्लेट में दे दे यार, वही ऐसा करो कि ना प्लेट में ही दे दो, वो प्लेट में ही दे दो, हम आपको थोड़ी देर तक प्लेट वापस कर देंगे, ऐसा हो सकता है, ठीक है वही इतनी देर से आ रहे हैं इधर, ने अभी खानी है पूरी हलवा और हम जाएंगे कहाँ जाएंगे, बिरयानी मास्टर, ये देखो जी ये आ गया हमारा हाफ चने भी इसमें, हाफ चने हाफ हलीम, ठीक है ये रुहान साहब ने भी एंड पे चने ही मंगवा लिया, तरी डाली नहीं आज, तरी डाली नहीं, होए 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 तरी भाजी आ रही नहीं है, तरी खत्म हो गई आज, कोई कुछ भी नहीं है, तरी नहीं भाजी ने, चंगा है बड़ा मजा आ रहा है, हलवा पूड़ी नहीं ना खाई ने अभी, पता लग गया खुश खुश चने खाएंगे जब भी, तीन नाश्ते करते हैं, नहीं नहीं यहाँ ही यहाँ ही, मेरी बात सुने, दो पूरियां लाल ज्यादा लाल कर, ये देखें जी हमारा नाश्ता भी आ गया हुआ है, तो इसके अंदर हमारे पास अचार साथ में ये आलू वाली कड़ी है, साथ में उसके अंदर चने हैं, वो है तो ये है सारा अभी हमारा नाश्ता, तो भी इसको यार जैसे मैंने पूरी हलवा खाई बड़ी मजे की लगी, पहले मैंने हलवा वगैरह खाया और पूरी की क्रिस्पीनेस भी बड़ी मज़े की थी और पूरी के पूरा जो फ्रूट था ना बड़ा आला तरीन था, लाइक मज़ा आ गया यार खा के, तो बड़ा मज़ा आया, तो मैंने आप लोगों को भी दिखाया कितनी मज़े की पूरी छूड़ी थी और आप मेरे एक्सप्रेशन भी देख सकते हो कितनी ही मज़ेदार किस्म की आला तरीन नस्ली पूड़ी थी। मैं फेशियल करवा रहा हूँ जॉनसन का, तो यार दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय जीआर हेयर सलून और ये है डी प्लाजा 2 बहरिया टाउन लाहौर के अंदर, और ये आप देख सकते हो क्लींजिंग वगैरह मैंने करवाई है और जो बाल है पहले कैसा लग रहा था अब कितना ज़्यादा फर्क आ गया हुआ है, तो इनके रेट्स भी जो है बाकियों से काफ़ी कम है, जो बाकी सैलून्स हैं उन्होंने 400 रुपया कर दिया कटिंग का और इनका अभी भी 300 रुपीज़ ही है, तो यहाँ आएँ आप लाजमी और इनसे कटिंग शटिंग कराएँ और जो भी आपने करवाना है यहाँ फेशियल वगैरह सब कुछ तो आप करवा सकते हैं, और बहुत अच्छा जो है इनका आप देख ही सकते हो यार, मैं क्या बोलूँ इतनी अच्छी कटिंग वगैरह भी होगी है। बह की सभी जुबां है हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है तुम रह सके तो रबा है, अब है जो है वो समा है तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी है।